चलिए कॉस्ट के सजेशन शुरू करते हैं, ठीक है ना। बहुत जन लोग बोल रहा था कि नेट का प्रॉब्लम है इसलिए फेसबुक पे लाइव नहीं जा रहा था, और तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, तो इसलिए बस कॉस्ट के सजेशन बोल दे रहा हूँ थ्योरी के, ठीक है ना। तो आप इसे खुद से लिख लीजिएगा कॉपी में, साथ साथ लिखते जाइएगा। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज थ्योरी की मैं बता रहा हूँ, पढ़ना ना पढ़ना वो आपके ऊपर है। पहला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आप लिखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट का डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, आप ये लिख लो एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो लिखो, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट का डिफरेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। अच्छे से करके चले जाइएगा इन सब क्वेश्चन को, सारा थ्योरी इसी में से आएगा। दो क्वेश्चन हो गया अपना, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखो, थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, दोनों से एक आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी पहला चैप्टर चल रहा है कॉस्ट शीट, ठीक है ना, तो उसको लिखेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स वाला, ठीक है ना। और वो जो डिफरेंस था मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग, वो भी करके जाइएगा, वो अच्छा है। ये सारा आपका कॉस्ट शीट का थ्योरी है, कॉस्ट शीट से सबसे ज़्यादा थ्योरी आएगा आपको एग्जाम में। एक क्वेश्चन पहले आता था, क्लासिफाई कॉस्ट अकॉर्डिंग टू देयर एलिमेंट्स एंड फंक्शंस, गिव थ्री एग्जांपल्स ऑफ ईच, ये कर लीजिएगा। बट अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कर दिया है, तो इस पर उतना फोकस ना भी करें तो चलेगा। मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस अच्छे से कर लीजिएगा, इस बार लग रहा है वो आएगा एग्जाम में, ठीक है। मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग बार बार बोल रहा हूँ उस क्वेश्चन को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज कॉस्टिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज कॉस्टिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज कॉस्टिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अगला क्वेश्चन जो आ सकता है आपके एग्जाम में, ये आप कॉन्सेप्चुअली भी अगर क्लियर हो गए तो उसको ऐसे भी आप आंसर कर लोगे, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट सेंटर, ये आपको आना चाहिए। आप अपने क्लासेस में जब पढ़े होगे आपको समझाया गया होगा ये सब चीज़, कॉन्सेप्चुअली जो पढ़ेगा वो थ्योरी ऐसे भी कर लेगा, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट जिसका थोड़ा क्लियर नहीं है वो भी मैनेज करिए, उपाय नहीं है। दो क्वेश्चन कॉस्ट शीट से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाई नंबर स्कोर करने के लिए आ सकता है। जो वापस बोल देता हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या फिर फाइनेंशियल या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या फिर कॉस्ट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है ना। ये चीज़ तीन क्वेश्चंस आपका, ये दो क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट यूनिट बोल दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी ट्रेंड जो बन गया है वो है, इंडस्ट्री आपको दे देता है बहुत सारा, और उसमें आपको जज करना होता है कि कौन सा इंडस्ट्री में कौन सा कॉस्टिंग मेथड अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो आप उसे अच्छे से करेंगे, ये क्वेश्चन इस बार सेकंड जो हॉट टॉपिक है मेरा वो ये क्वेश्चन लग रहा है कॉस्ट शीट के चैप्टर से। ये आ सकता है एकदम, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में। 2014 में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कोई इग्नोर नहीं करेगा कि कैसे कौन से कॉस्टिंग कौन से मेथड में अप्लाई होता है। 2010 में भी आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है।
तो दे दूंगा ये क्वेश्चन मैं, आप कर लेना इसको अच्छे से। कॉस्टिंग एंड इसकी इंडस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम इस कॉस्ट शीट की चैप्टर को समराइज करें, दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड ऑफ द टॉपिक में बात करें तो, एक व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका डिफरेंस डिफरेंट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस। एंड अगर आप सेकेंड क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है हमारा इंडस्ट्री बेस्ड कॉस्टिंग, जिस किस इंडस्ट्री में कौन सा कॉस्टिंग अप्लाई होता है, आपको लॉजिक लगाना है और लॉजिक लगा के आंसर करना है। सपोज एक दो मैं डिस्कस कर देता हूँ, जैसे स्टील प्रोडक्शन है तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो उसमें आपका प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होगा। एयरलाइंस है तो एयरलाइंस में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, हमेशा याद है हम लोग बात किए थे ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग वगैरह के बारे में क्लास में, इसी तरह आप सॉल्व करोगे इसको। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये सब सॉल्व करने के लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो कॉस्ट का जो कॉस्ट शीट का जो सजेशंस था थ्योरी का, वो कंप्लीट होता है, आप इतना पढ़ लो काफ़ी है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, चैप्टर टू। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। आधे लोगों को ये सब चीज़ पता नहीं होता है, बट आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। वीडियो में पूरा चीज़ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बट एक बता दे रहा हूँ। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स एंड देयर करंट बैलेंस। बेसिकली उसका जो मूवमेंट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये सब उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लासेस में बताया गया होगा जब आपको पढ़ाया गया था, ठीक है ना। तो आप ये सबको देख लो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार याद कर लो, बाकी बाद में देखेंगे नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये तो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। जिसको नहीं पता है ये जान लो कि बस इतना जान लो कि हिंदी में कि वो क्वांटिटी जहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट मिनिमम आएगा, ठीक है ना। तो जब आप ऑर्डर करोगे उस क्वांटिटी को, उस ऑर्डर करने में आपका क्वांटिटी टोटल कॉस्ट मिनिमम आना चाहिए। ये बीच में एक GIT का क्वेश्चन आया था, बहुत सा चला था, बट उतना बड़ा नहीं है, फिर भी आप एक पढ़ के जाना जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री को। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से, वो आप लिखोगे ABC एनालिसिस, ठीक है। ABC एनालिसिस को आप बहुत अच्छे से करोगे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ABC एनालिसिस, इस चैप्टर से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आना चाहिए। अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से लिखो। अच्छा, हर चैप्टर में थ्योरी नहीं रहेगा, ठीक है ना, कुछ एक चैप्टर में रहेगा वो बता रहा हूँ, और वो अच्छे से करके जाएगा, कोई उसे नहीं छोड़ेगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर का डिफरेंस, ठीक है। बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर का डिफरेंस अच्छे से करके जाइएगा, इस बार लग रहा है ये दे देगा, बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर का डिफरेंस। एंड किसी को भी डरने का दरकार नहीं है, ठीक है ना, इस बार कॉस्ट में आपको सबसे जल्दी निकालेगा, या क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को निकालेगा, किसी को फेल नहीं करने का चांसेस कम लग रहा है, क्योंकि CU सेमेस्टर सिस्टम में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो जब वो शिफ्ट हो चुका है तो वो बैकलॉग्स जितने भी है सारे निकाल देगा, ट्राई करेगा वो जितना, थोड़ा आप लोग भी मेहनत कर लो, बाकी तो वो निकालने का कोशिश करेगा। उसे भी बैकलॉग रख के कोई फ़ायदा नहीं है, नए सिस्टम में जब भी कुछ कन्वर्ट होता है तो इसी तरह बैकलॉग्स को निकाला जाता है। चलो, एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाइएगा। व्हाट आर द थ्री मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज, ठीक है, इशू ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, जो हम लोग मटेरियल चैप्टर में पढ़ते हैं, फीफो लीफो वेटेड, ये सब जो भी है, आप इसको ढंग से पढ़ोगे, ठीक है ना, इसका आंसर भी मैं आपको भेज दूंगा। कॉस्ट प्राइस मेथड, एवरेज प्राइस मेथड, करंट प्राइस मेथड, नोशनल प्राइस मेथड, ये सारे मेथड्स हैं। प्राइसिंग मेथड्स ऑफ इशू ऑफ मटेरियल, हर एक मेथड के अंदर उसका सब मेथड दिया हुआ है कि आपको उसको कैसे ट्रीट करना है, आप इसको देख के जाना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आने का चांसेस है। ये सब क्वेश्चन क्या है ना, जब आ जाएगा तो बहुत स्कोरिंग होता है, तो आप इसको अगर अच्छे से कर लो तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको बोल चुका है इस चैप्टर का।
बाकी ठीक है, एबीसी एनालिसिस वगैरह बता दिया आपको, ठीक है ये दो चैप्टर आप करो, ठीक है अभी उतना तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो ऐसे भी 10-11 मिनट का वीडियो हो गया, बाकी थ्योरी के सजेशन मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है या तो आज रात को जैसे भी होगा, अभी उतना ठीक नहीं लग रहा है। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, ये सारे क्वेश्चन आज रात को करके सोना ताकि कल जब करो तो ये पूरे अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, बाय बाय।